हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड प्रैक्टिकल का सर्किट जोड़ेंगे, इस कुंजी को अप्लाई कर देंगे और हम इस वीडियो में सर्किट जोड़ रहे हैं और इसमें क्या सावधानी रखनी है वो भी हम देखेंगे। जैसे अभी हम सर्किट जोड़ने की शुरुआत कर दी हमने, अब पहले इसके दो रियोस्टेट के नीचे के सिरों को बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आओ आगे जैसे रियोस्टेट के नीचे के दो कनेक्शन कर दिए, एक बैटरी के पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। अब हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा लेकर संधारित्र के ऊपरी भाग से कनेक्ट कर देंगे और वहां पर उसी के साथ एक टैपिंग की का सिरा जुड़ेगा, एक प्रतिरोध का सिरा जुड़ेगा। यानी यहां पर हमारे संधारित्र के ऊपरी भाग से तीन वायर कनेक्ट हुए, एक बैटरी का पॉजिटिव, एक प्रतिरोध का, एक बीजी का यानी बीजी के टैपिंग की का एक वायर। तो इस प्रकार यह पहला स्टेप पूरा हुआ, यानी बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन पूरा हुआ जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। यह प्रतिरोध का वायर हो गया और यह बीजी का जोड़ दिया। इस प्रकार तीन वायर पूरे हुए। यह इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कसने में। इस सर्किट के आप बार बार अभ्यास करें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब नेगेटिव की बारी आती है। नेगेटिव यानी रियोस्टेट के जैसे ऊपरी भाग से लेंगे। यहां पर हम विभव विभाजक किसके मध्य लगा रहे हैं? नेगेटिव सिरे के मध्य लगा रहे हैं। बैटरी का पॉजिटिव सिरा डायरेक्ट सर्किट में ही जुड़ रहा है और रियोस्टेट को कैसे काम करता है इसका हम एक अन्य प्रैक्टिकल वीडियो में देख चुके हैं, वो आप देख ले, उसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जैसे ये कुंजी का एक सिरा तो किसमें जुड़ गया हमारे बैटरी के नेगेटिव में और कुंजी का जो एक मिडिल सिरा है वो किसमें जाएगा? संधारित्र में। और जैसे एक कुंजी का सिरा किसके साथ जोड़ दिया? रियोस्टेट के नेगेटिव यानी बैटरी के नेगेटिव से। और अब जैसे एक कुंजी का सिरा किसमें गया? संधारित्र में। और संधारित्र के समांतर क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, यह जानते हैं। तो प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहीं जुड़ जाएगा जहां पर हमारा ये कुंजी का जो मिडिल सिरा जुड़ रहा है। तो यहां पर हमने दो सिरे जोड़ दिए, एक तो प्रतिरोध का और एक कुंजी का मिडिल भाग। अब कुंजी का दूसरा जो भाग बच गया पीछे वो हम बीजी के साथ जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये हमारा सर्किट पूरा हुआ। अब इसकी रीडिंग लेनी है वो आप देखें नेक्स्ट वीडियो में। जैसे अभी हमने सर्किट बना लिया पूरा, तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सर्किट किस प्रकार से हमने जोड़ा और उसके बाद रीडिंग किस प्रकार से लेनी है, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो की भी आप देख ले। मैं आशा करता हूँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसकी कैलकुलेशन वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें इसका फाइल वर्क आपको किस प्रकार से करना है, हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, उसका भी वीडियो आप देख ले, वो भी शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। माय सेल्फ सुरेंद्र खिलेरी, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपको